हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं परमी शिमला मिर्च, और उसके लिए मैंने क्या लिया है, ये आधा केजी शिमला मिर्च ली है। इसमें मैं ना बहुत ज़्यादा बड़ी शिमला मिर्च ली है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी, मैंने मीडियम साइज़ की ली है। आमतौर पे क्या करते हैं, वर्मी शिमला मिर्च में आलू भर के स्टफिंग करते हैं, लेकिन मैं इन शिमला मिर्च में प्याज की स्टफिंग करूँगी, जैसे कि हमारे पंजाब में बनाते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम इसको ऐसे ऊपर से, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, इसको ऐसे गुलाई में ऐसे, ये देखिए, ये ऊपर से मैंने ऐसे निकाल दिया है, ये देखिए। और इसके जो बीज हैं बीच में से, वो अच्छे से निकाल देने हैं आपने, वो बीच में नहीं छोड़ने हैं। ये देखिए, इसको अच्छी तरह बीज से हमें ऐसे चाकू से छील लेना है, ये देखिए, सारे निकाल देने हैं, ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह इसमें भर जाए। ये देखिए, अब ऐसे ही मैं इन चारों का निकाल दूंगी, और ये वाला जो पार्ट है इसका मैं ये यहाँ से ऐसे काट दूंगी। अगर आप चाहो तो भरने के बाद इसके ऊपर ऐसे रख सकते हो, ये देखिए, ताकि हमारी जो स्टफिंग है फिर वो बाहर नहीं निकल गई। इसको ऐसे भी उठा सकते हो, ये देखिए, और इसको ऐसे ऊपर से हम बंद कर देंगे, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट इसका रखा है। मैं इनको भी ऐसे ही काट लूँगी। ये लीजिए, ये देखिए, मैंने सारी शिमला मिर्च छील ली है, और इसका ये कवर है ऐसे इसके ऊपर रख रखा है मैंने। ये पांचों मैंने ऐसे ही छील के रेडी कर लिए हैं। अब इसकी स्टफिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए, मैंने तीन प्याज लिए हैं, दो टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और 7-8 लहसुन की तुरी, और 5 हरी मिर्च। अब मैं सबको काट के इस चिली कटर में चिली कटर कर लूँगी। मैं मिक्सर से नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप मिक्सिंग जार से करोगे तो वो बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट हो जाता है, और फिर खाने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपने आलू की स्टफिंग वाली शिमला मिर्च खाई होगी, लेकिन एक बारी आप ये मेरे बनाई हुई प्याज की स्टफिंग वाली शिमला मिर्च खा के देखिए, तो आपको इतनी टेस्टी लगेगी कि आप आलू वाली भूल जाओगे। ये देखिए, अब मैं इसको इस चिली कटर से ऐसे सारे जो हमारा मसाला है उसको चिली कटर कर लूँगी। ये देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है, फ्राई पैन रख दिया है। अब मैं इसमें ये वाला, ये देखिए, एक और आधा, ये 1.5 स्पून मैंने 1.5 स्पून ऑयल का डाला है। अब 1 मिनट के लिए मैं ऑयल पहले गर्म होने दूंगी। ये देखिए, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 स्पून, ये बड़े वाला स्पून जीरा डाल रही हूँ। ये देखिए, हमारा जो जीरा है वो डालते सार ही थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब देखिए, मैं इसके साथ ही ये मसाला जो मैंने चिल्ली कटर किया है, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, ये डाल दी है मैंने, ये देखिए। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए पहले फ्राई करूँगी, जब तक ये हमारे प्याज में जो पिंक कलर के ना हो जाए। ये देखिए, हमारे प्याज को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी जो मैंने छोटे छोटे काटे थे, और इसी के साथ ही ये मैंने बड़ा चम्मच एक कसूरी मेथी का लिया है, ये भी डाल दूंगी। अब मैं 1-2 मिनट के लिए इन टमाटर को, जब तक ये थोड़े से पक नहीं जाते, तब तक इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, हमारे टमाटरों को मसाले में डाले हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह गल चुके हैं, और मैंने इसके साथ स्पून के साथ इनको अच्छी तरह मैश कर दिया है बीच में। ये देखिए, अब मैंने गैस का फ्लेम है जो स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा डालूंगी। ये देखिए, जो जीरा हमने डाला था उसे डाले हुए 10-15 सेकंड हो चुके हैं, क्योंकि मैं शिमला मिर्च में अगर हम पहले भुना हुआ जीरा डालते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है शिमला मिर्च में। अब मैं इसमें ये एक और आधा, मैं इतना ही नमक डालती हूँ, आप भी अपने खाने में इतना ही डालिए, ये ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत ज़्यादा कम है। ये देखिए, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये देखिए, ये पूरा एक हो गया है। आप भी इतने इसी हिसाब से मसाले डालिए, ना आपके घर में ये ना ही बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता खाने में इनका टेस्ट, और ना ही बहुत ज़्यादा कम होता है। ये एक मीडियम साइज का टेस्ट फ्लेवर होता है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है सबको। ये देखिए, ये सब मसाले मैंने इसमें अच्छी तरह ऐड कर दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया इस पर, ये देखिए, थोड़ा सा मैं रख लूँगी गार्निश के लिए। ये देखिए,
थोड़ा सा मैंने इसमें अभी डाल दिया है। अब मैं एक मिनट के लिए इन मसाले जो मैंने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह प्याज में मिल जाएं, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए हमारे मसालों को नमक मिर्ची जो हमने डाला था उन्हें मसालों में मिक्स हो गए हैं और उन्हें ऐसे इसमें एक दो मिनट के लिए मैंने पका लिया है। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। ये देखिए मैंने दूसरा फ्राई पैन चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। ये देखिए मैंने एक बाउल लिया है, ये आप दे सकते हो। ये देखिए ये मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ एक ही बाउल लिया है। ये देखिए अब मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूँगी और अपने इस मसाले को थोड़ा सा ऐसे ये देखिए थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। एक मिनट के लिए बाद मैं इसको शिमला मिर्च में फिल करूँगी। ये देखिए एक मिनट हो चुका है मेरे मसाले को ठंडे होते हुए। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा फिर ये शिमला मिर्च में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए मैंने इसका ऊपर वाला पार्ट उठा दिया है। अब मैं इसमें ये देखिए इस स्पून की मदद से इसको इसके बीच में फिल करूँगी। ये देखिए ऐसे ये बहुत अच्छी तरह फिल हो जाएगा। आपको इसको थोड़ा गर्म ही फिल करना है क्योंकि ठंडा हुआ हुआ इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर ये देखिए इसको आप अच्छे से इसमें फिल कर दीजिए। ये देखिए ये देख सकते हो आप, ये देखिए मैंने फिल कर दी है। आप चाहो तो ऊपर तक भरो, जितना आपको डालना वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ये देखिए डालने के बाद फिर मैंने इसको ये देखिए इसी की हेल्प से ये इसको अच्छी तरह ये देखिए मैं अभी इसका देख जिस तरह इसका साइज है उस हिसाब से इसको लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये मैंने इसके ऊपर इसको लगा दिया है। ये देखिए ये हमारी एक शिमला मिर्च भर के रेडी है। ऐसे ही मैं दूसरी भी भर दूँगी। ये देखिए हमारा ऑयल है जो गर्म हो चुका है और ये देख सकते हो आप मेरी शिमला मिर्च भी मैं भर के रेडी कर ली है। तीन प्याज से मेरी ये चार शिमला मिर्च पूरी अच्छी तरह भर गई हैं, इनमें से कुछ भी मसाला नहीं बचा। ये देखिए अब मैं इनको क्या करूँगी, ये देखिए आराम से उठा के आप ऐसे इसके बीच में ऐसे रखते जाइए, आराम से हो जाएगा। ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर रखा है और मीडियम आंच पे ही मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए आपको दो स्पून ले लेने हैं और उसी की हेल्प से इनको ऐसे 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 घुमाना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए मैंने पहले घुमा दिया है इनको। अब ये देखिए इनको इस साइड रखिए। ये देखिए तेल थोड़ा गर्म है, बचा के करना है क्योंकि शिमला मिर्च है इसके कारण इसमें ये देखिए इसको ऐसे ऐसे आपको घुमाना है और ये ऊपर जो लगा है उसकी वजह से जो ऑयल है वो अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपको ऐसे ही इसके ऊपर लगाना है। ये देखिए इसको ऐसे ही आपको घुमा घुमा के पकाना है। ये देखिए हमारी एक शिमला मिर्च है जो पक चुकी है। मैं इसको दोनों स्पून की हेल्प से ये देखिए आप देख सकते हो, आप इसे झरने से भी उठा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ये देखिए मैं इसको ऐसे इसका तेल सारा निकाल के और इसके ऊपर यहाँ प्लेट में रख दूँगी और ऐसे ही दूसरी भी। ये देखिए ये देखिए हमारी शिमला मिर्च बन के रेडी है। इसे कम से कम बनने में 10-15 मिनट ही लगे हैं और आप ऑयल देख सकते हो आधी कटोरी भी ऑयल की नहीं लगी है, बिल्कुल 2 बड़े चम्मच लगे हैं और इतना तेल हमारा बच गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने अपने घर में जो होममेड क्रीम है दूध से उतारी हुई वो डाल दूँगी। आपकी इच्छा है आप डालना चाहते हो डालिए, लेकिन अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे को अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल रही हूँ। ये देखिए इसे डालने से क्या होता है कि जो शिमला मिर्च का टेस्ट है वो और बढ़ जाता है और खाने में वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारी गरम गरम शिमला मिर्च बनके रेडी है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ये देखिए हमारी घर में शिमला मिर्च की सब्जी बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।